राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फ्रॉड करने की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहले जहां फर्जी पर्चा छापकर लोगों से चंदा लेने की बात सामने आ रही थी, तो वहीं अब साइबर ठग फोन के माध्यम से वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर ठगी करने की मामला सामने आया है। राम मंदिर के प्रसाद की डिलीवरी के नाम पर बढ़ी साइबर ठगी। सावधान, राम मंदिर में वीआईपी एंट्री के नाम पर चल रहा साइबर स्कैम। नमस्कार दोस्तों, ओरो इन्फो में आपका स्वागत है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरा देश अपने अपने तरीके से भव्य बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। हिंदू संगठन कार्यक्रम को लेकर घर घर जाकर दीपोत्सव करने को लेकर आम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी तमाम कार्यक्रमों को आयोजित करने में जुटे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में शासन प्रशासन भी इस मौके पर कोई चूक न हो, इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इसके बावजूद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फ्रॉड करने की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर आने वाले संदेशों पर क्लिक और किसी भी फाइल को डाउनलोड न करने की अपील की है। जिला पुलिस ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया है कि साइबर ठग राम मंदिर के दर्शन के लिए वीआईपी पास का झांसा देकर लोगों को फोन पर राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान APK नामक फाइल के साथ संदेश भेज रहे हैं। इस फाइल को डाउनलोड करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसमें हानिकारक मालवेयर है। इस तरह की फाइल आपके फोन के लिए हानिकारक हो सकती है। एक बार जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो यह आपके डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी को भी चुरा सकता है, साथ ही भविष्य में आपकी डिवाइस को भी हैक कर सकता है। ठग इस तरह का झांसा देकर आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। इस प्रकार के झूठे संदेशों के माध्यम से धोखा दे रहे हैं। समाज को ऐसे किसी झांसे में नहीं आना है। इस प्रकार के संदेशों की शिकायत स्थानीय पुलिस से करे। वही एक अधिकारी ने बताया कि साइबर ठगों की इस सक्रियता को लेकर राज्य सरकार खड़े कदम उठा रही है। अयोध्या पुलिस ने हाल में ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक भारतीय अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अयोध्या नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी CO शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी लोगों से वेबसाइट के माध्यम से पैसे भेजने और घर बैठे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाने का लालच दे रहा था। उन्होंने बताया कि देश के भीतर लोगों को ₹51 तथा अन्य देश के नागरिकों को $11 में प्रसाद देने का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी भगवान राम की तस्वीर वाली टी शर्ट, राम नाम की चरण पादुका, भगवान राम के नाम के झंडे व अन्य वस्तुएं प्रदान करने का भी झांसा दे रहा था। 16 लाख से ज्यादा लोगों के साथ ठगी का आरोप। सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 16 लाख से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उसने लोगों से धोखाधड़ी कर 10 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी श्रद्धालुओं को इस बारे में सावधान किया है। SSP राजकरण नैयर ने बताया कि लोगों की आस्था का फायदा उठाकर वह श्री राम मंदिर उन्होंने राम मंदिर अयोध्या के नाम पर फर्जी वेबसाइट भी बनाई है। मंदिर के लिए VIP पासो प्रवेश के लिए वाहन पास दिलाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। मुफ्त प्रसाद ऑनलाइन प्राप्त करने का झांसा देकर भी ठगी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोगों को इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बिना सत्यापन के संदेश का जवाब न दे। ऐसा मैसेज आने पर तुरंत डिलीट कर दे। धन्यवाद। इसी ही खबर के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।